कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा लगता है। उनका गुस्सा और मांग जायज है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। पुलिस ने भी उनकी मांगे मान ली हैं। मैं कल झारग्राम में थी, लेकिन सभी घटनाक्रमों पर नजर रख रही थी। मैंने पीड़ित परिवार से बात की और उन्हें इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सजा की समर्थक नहीं हूं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे एक भी डॉक्टर को किसी भी तरह की समस्या ना हो। जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें राज्य प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तो वो किसी अन्य जांच एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम उचित और गहन जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जैसे कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है, वैसे ही हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की भी जिम्मेदारी है। हम ये भी जांच करेंगे कि क्या उनकी तरफ से लापरवाही हुई है। मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ। डॉक्टर अपना विरोध जारी रख सकते हैं, लेकिन साथ ही में उन्हें मरीजों का इलाज भी करना चाहिए। यदि पीड़ित का परिवार किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको बता दें, कोलकाता के सीपी पूरे समय अस्पताल में थे और दोपहर 2 बजे तक वो मेरे संपर्क में थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आरोपी पकड़ा गया है, वो मेडिकल कॉलेज में ही काम करता था। समुचित सतर्कता बरती जाए। किसी सहकर्मी को खोने का असर हर किसी पर पड़ता है। मेरे परिवार में भी 2 जूनियर डॉक्टर हैं। मैं पहले भी उनके साथ थी और हमेशा उनके साथ रहूंगी। जरूरत पड़ी तो प्रधान सचिव और सीपी को दोबारा भेजूंगी। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने कहा कि हमने 7 सदस्यीय SIT गठित की है। अगर परिवार या रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से कोई मांग है और वो किसी अन्य एजेंसी से मामले की जांच कराना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 3री मंजिल पर सेमिनार हॉल के अंदर एक ट्रेनी महिला डॉक्टर शुक्रवार सुबह रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। वो मेडिकल कॉलेज में ही PG सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़ित डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, फिर उसकी हत्या कर दी गई। अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा द्वारा ममता सरकार की तीखी आलोचना के बीच मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज देखने के बाद व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसे शर्मनाक घटना बताते हुए TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, हमें उम्मीद है कि अपराधी पकड़े जाएंगे। ये एक शर्मनाक घटना है। हमारा सिर शर्म से झुक गया है। ये दुखद है कि एक डॉक्टर के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। इस मामले पर कार्रवाई की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अस्पताल के बाहर कैंडल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल की नर्सों ने पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए एक रैली निकाली। BJP की वरिष्ठ नेता अग्निमित्रा पॉल ने मामले में CBI जांच की मांग की और कहा, बच्ची को चोटें आई थी, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हम CBI जांच चाहते हैं। शाम को पोस्टमार्टम क्यों किया गया? हम किसी केंद्रीय अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करते हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।